महाशक्ति बनने की दिशा में भारत ने उठाया बड़ा कदम। तेल पर निर्भरता को कम करने मोदी ने चला मास्टर स्टोव। ड्रैगन की जल्द ही निकलेगी अकड़। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है कि वह जो बोलते हैं उसे करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। पाकिस्तान की अकड़ ठिकाने लगानी हो या चीन को पटखनी देनी हो, इस मामले में मोदी के पंच से दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान के आतंकवाद पर बार बार इस्लामिक देशों द्वारा भारत पर ही दबाव बनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन अरब देशों की हेकड़ी निकालने का एक जबरदस्त प्लान बनाया है। दरअसल अरब देशों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके तेल पर निर्भर है। अगर वह भारत जैसे देश को तेल नहीं देंगे तो वह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानते कि भारत का नेतृत्व ऐसे मजबूत हाथों में है जो हाथ मिलाना भी जानता है और हाथ मरोड़ना भी। अरब देश तो भारत को आंख दिखाना चाहते थे, लेकिन उनका यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कि हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। दूसरी ओर अरब देशों से तेल की खरीदी कम से कम करेंगे। भारत के इस डिसीजन से अरब देशों की नींद उड़ गई है। चले थे पाकिस्तान का समर्थन करने, लेकिन वह भूल गए कि पाकिस्तान वह नासूर है कि जो भी उसके पास जाता है वह बर्बाद हो जाता है। अब सारे अरब देश अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने इस मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। लिथियम रेस में भारत की एंट्री, अर्जेंटीना के साथ कर दी डील, दुश्मन चीन की धड़कनें हुई तेज। भारत ने तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने का न केवल ऐलान किया बल्कि उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत ने लिथियम बैटरी वाले वाहनों के निर्माण पर जोर देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सबसे जरूरी है लिथियम, जिसकी आपूर्ति के बिना इस प्लान को सक्सेस नहीं किया जा सकता है। और भारत का दुश्मन नंबर एक चीन भी बहुत जोर शोर से इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसके बाद चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि चीन के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ बड़ा समझौता कर डाला है, जिसके तहत भारत 200 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। दोस्तों, आखिर यह कौन सा करार है जिसके तहत भारत और अर्जेंटीना किस तरह का काम करने वाले हैं, यह सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समझौते के तहत भारत और अर्जेंटीना की खनन कंपनियां लिथियम के नए स्रोतों की खोज करेंगी और देश की सबसे बड़ी खनन कंपनी कैमियन के अनुसार अर्जेंटीना में लिथियम समृद्ध काटा मार्का प्रांत के गवर्नर राहुल जलील इस वर्ष भारत आने वाले हैं। वहीं भारत के खनन मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि अर्जेंटीना के साथ यह साझेदारी भारत के लिए लिथियम सुरक्षित करने के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KVIL के प्रयासों को बढ़ाएगी। इसके साथ ही ब्राइन टाइप लिथियम अन्वेषण, शोषण और निष्कर्षण में मूल्यवान तकनीकी और परिचालक विशेषज्ञ भी प्रदान करेगी। साल की शुरुआत में KVIL 5 लिथियम ब्लॉकों का पता लगाने और विकसित करने पर सहमत हुई है। दोस्तों, चीन की जिजिन माइनिंग ग्रुप जैसी कई वैश्विक कंपनियों ने अर्जेंटीना के लिथियम बाजार में कदम रखा है। आप सोच रहे होंगे कि लिथियम के लिए दुनिया भर के देश अर्जेंटीना का रुख क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्जेंटीना दुनिया में लिथियम का चौथा बड़ा भंडार है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के पीछे है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया का बादशाह बनने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में लिथियम की जरूरत है। वहीं अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों की स्कीम सफलतापूर्वक जमीन में उतारने में कामयाब हो गया तो न केवल महंगाई से निजात मिलेगी बल्कि दुश्मन देश चीन से निपटने में भी मदद मिलेगी। भारत का जो बड़ा बजट अलग अलग देशों से केवल तेल खरीदने में खर्च हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी और इन पैसों का उपयोग दूसरे विकास कार्यों में
हो सकेगा। इसके साथ ही अरब देशों की हेकड़ी भी निकल जाएगी, क्योंकि जब दुनिया उनसे तेल ही नहीं खरीदेगा तो उनके तेल के कुएं और अर्थव्यवस्था बर्बाद होकर रह जाएगी। वहीं भारत के दिल्ली जैसे शहर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं, वहां प्रदूषण को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम में भारत कहां तक बढ़ पाया है, कहीं यह केवल ख्याली पुलाव तो नहीं? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2023 में $4.23 बिलियन के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन बाजार का आकार 68% की CAGR से बढ़कर 2030 तक $152 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। फिक्की यस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री में 87% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का दम है। दोस्तों, 40 विभिन्न प्रकार के वाहनों और $4.23 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ भारतीय ईवी बाजार रेडीनेस सूचकांक पर दुनिया में 11वें स्थान पर है। भारी घरेलू मांग वाला बड़ा बाजार भारत में ग्रीन मोबिलिटी के सुनहरे भविष्य का संकेत देता है। इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो महानगरों में प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व है और उपशहरी और ग्रामीण आबादी को किफायती आवागमन प्रदान करते हैं, सरकारी समर्थन से भारत के ईवी उद्योग को और बढ़ाया जा सकता है। यह उद्योग सरकार से सब्सिडी कम कर सरल फाइनेंसिंग विकल्प, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और समान इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों की स्थापना जैसी पहलों के साथ अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण चाहता है। ये उपाय भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा संचालित अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें बताना ना भूलें।